मोदी जी के ना तो बीबी का पता है, ना तो उनके शिक्षा का पता है, ना रेलवे स्टेशन का पता है, कहाँ उन्होंने चाय बेचा, कौन से स्कूल से उन्होंने डिग्री लिया, कौन से यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री लिया। मोदी जी खुद ही डाउटेड है। तो आप देख सकते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और बस में हैं इस वक्त, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रहा है, पूरी भीड़ उमड़ चुकी है। राहुल गांधी से लोग जो है आस लगा रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? ध्यान में चले हुए हैं, इससे हम लोग को उम्मीद है कि एक नई बदलाव होगी भारत में। जो परेशानी है गरीब की, किसान की, शिक्षा की, आर्थिक स्थिति की, खाद्य सामग्री की, वो सही से मुक्ति मिल सके। आज हम देख रहे हैं कि रसोई गैस इतनी बड़ी हुई है, महंगी हो गई है, पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, जिससे यातायात को सुविधा नहीं है। बाल बच्चों जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़ी परेशानी हो रही है, उसका फीस बढ़ गया है, किताब कॉपी नहीं खरीद पा रहा है, इससे बड़ी परेशानी होती है। सर आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में काफी लंबे समय तक हुकूमत की, आखिर ऐसा क्या वजह बनी जो कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पाई या अभी जर्जर स्थिति से वो गुजर रही है? हम लोग से भी कहीं थोड़ी मोटी चूक हुई है जिसका अंदाजा हम लोग को लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 2024 में हम लोग की उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सरकार फिर आए। अच्छा, लोगों का कहना ये है, आम लोगों का, आम जनों का, कि जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन जी अच्छे काम किए, लेकिन उनमें जो एक बाधाएं हुई और जो आम लोगों को, कि वो इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से लोग जो उनको सही से समझ नहीं पाए, क्या एक वजह ये भी थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कहीं पे तो ऐसा हिंदी बोले हैं, पंजाबी में भी बोले, इंग्लिश भी बोलते थे प्रधानमंत्री रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग किसी भी तरह का किसी भी बात को उठाल सकते हैं, विपक्ष वाले लोग। भारतीय जोड़ो यात्रा बसैठा बेनीपट्टी से होते हुए शिवपुरी को जा रही है, ये कहाँ तक जाएगी? ये 5 तारीख को मदार पर्वत से यात्रा चली थी, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वही झंडी दिखाए थे। दूसरी चरण की है यात्रा जो है 16 तारीख को शुरू हुई है, आज सीतामढ़ी के पुपरी चौक पर कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मल्यार्पण करने के बाद वो लोग विराम कर देंगे, क्योंकि 30 तारीख को वो राहुल जी की यात्रा जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लाल चौक पर होने जा रहा है, इसलिए उसको बीच में विराम। फिर भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, बीजेपी जो अभी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो संविधान को एकदम कुचल रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस कानून को बनाया था, और हम सभी देशवासियों को कानून का ही पालन करना चाहिए, कानून को एकदम तहस नहस कर दिया है, चाहे वो न्यायपालिका हो। जब न्यायपालिका पर कार्यपालिका जब हावी हो जाती है तो देश में जनता जो है त्राही माम करने लगती है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे युवा राहुल गांधी जो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3270 किलोमीटर की पदयात्रा अंतिम चरण में, देश की पहली पार्टी है, और इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी आखिर क्या वजह बनी जो वो अभी पिछड़ गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहीं ना कहीं बीच में गलती तो, कांग्रेस पार्टी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कहीं पे पिछड़ी नहीं है। वोटिंग में 1% या 2% वोट जो है बीजेपी ने ज्यादा लाया है, तो कांग्रेस कहीं पिछड़ी नहीं है। बस यहाँ खेल है वोटिंग परसेंटेज का, वो कैलकुलेशन बीजेपी का सही था, इसलिए बीजेपी आज सत्ता में है। कांग्रेस कहीं पिछड़ी नहीं है, अगर आप वोटिंग का रेशियो देखेंगे तो हर जगह कांग्रेस का सही है वोटिंग रेशियो। अच्छा, आपने कहा कांग्रेस की बात, तो इतने समय उनको मिलने के बावजूद भी कांग्रेस ने देश के हित में ऐसा क्या बड़ा कार्य किए, जरा आप बताएंगे? आज देश में जो कुछ भी है हम उसको कह सकते हैं कि कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने क्या किया है वो नहीं, जो कुछ भी अगर डेवलपमेंट का काम है वो कांग्रेस ने किया है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट में भी हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट में कहाँ हुआ है, जब राजीव गांधी पहली बार कंप्यूटर लेके आए हिंदुस्तान में, तो अटल जी पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बंद का घोषणा कर दिया था कि ये कंप्यूटर लेके आया, यहाँ से बेरोजगारी होगी, और वही आज कंप्यूटर और वही आज सोशल मीडिया की देन है जिससे आज बीजेपी का जन्म हुआ है, आज बीजेपी में सत्ता में सत्ताधीश बनी बैठी है। लेकिन मोदी जी जो है, मोदी जी के ना तो बीबी का पता है, ना तो उनके शिक्षा का पता है, ना
नगर रेलवे स्टेशन का पता है, कहाँ उन्होंने चाय बेचा, कौन से स्कूल से उन्होंने डिग्री लिया, कौन से यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री लिया। जब उन्होंने डिग्री लिया तो उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 1975 में उनका डिग्री कंप्यूटर प्रिंटेड डिग्री है, ये कैसे हो गया? तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, मोदी जी खुद ही डाउटेड है, कभी मगरमच्छ खिलाते हैं तो कभी रेलवे पे चाय बेचते हैं, कभी इंग्लैंड में जाके फोटो पिक कराते हैं, तो फोटो जी भी हैं वो। कोरोना काल से भी जूझ रहा था, बहुत लोग लाखों की तादाद में मर रहे थे, बहुत बुरा हाल हो चुका था लोगों के पास, खाने के लिए रहने के लिए भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई। पीएम केयर फंड में भी बहुत सारा पैसा जो है दिया गया, इस फंड के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। ये जो बोलते हैं ना आपदा में अवसर, मोदी जी को आपदा में अवसर मिला, उन्होंने पीएम केयर फंड बना के लोगों का लाखों करोड़ रुपया डुबो दिया, या उन्होंने विधायक खरीदा, सांसद खरीदा, अपने पार्टी को मजबूत किया, जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर जनता के लिए कुछ किया होता तो हजारों लाश जो है गंगा में नहीं बहती होती। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित है, यही वजह है जो आज बीजेपी की सरकार बनी। मैंने आपको पहले बताया था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो और आपको सत्ताधीश बने बैठे रहना है तो वहाँ जात पात की राजनीति करो, और इनको ये अच्छे से आता है, ये जात पात का डरक सुंघा के लोगों को आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार को या एज ए विपक्ष नेता राहुल जी को क्या आवाज उठानी चाहिए? केंद्र सरकार से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते कि वो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी जो बढ़ा है उन्हीं की वजह से बढ़ा है। आज हिंदुस्तान हंगर कंट्री में 132वें नंबर पे है, वो मोदी जी की देन है, ये मोदी जी का अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि हंगर कंट्री में हमारा देश जो आया है वो मोदी जी की देन है, तो इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और रही बात विकास की और डेवलपमेंट की, तो वो हमेशा कांग्रेस ही किया है, क्योंकि शिक्षा और अशिक्षा दो अलग अलग चीज़ है, तो हमें शिक्षित लोग जो हैं वो विकास करा सकते हैं, डेवलपमेंट करा सकते हैं। एमडी हसन, कहाँ से हैं आप? मेरा घर हो गया बेनीपट्टी विधानसभा के नजरा गांव में।